हेलो, यू आर वाचिंग एनएल फर्नीचर्स। अगर आप एक कुछ नया लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं आप। मैं बहुत पुराने डिजाइन है, बीच में एकदम आउट हो गया था, अब लोगों को वापस पसंद आ रहा है ये। अच्छा, पूरा हाइड्रोलिक पसंद आती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमारी चेस्टर की फिनिशिंग के पास जिसका मैं दीवाना हूँ। हाँ जी, सोफा तो आपको सब दिखाते हैं, हम ये दिखाएंगे कि सोफा बनता कैसा है फैक्ट्री के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री विजिट करते हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो कि वो अच्छी क्वालिटी की गद्दी है या नहीं। अब आप चलो ये वापस अपनी शेप ले ली कि ये कोर्स, इसके पत्ते 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 देखते हो, इसका लालपन, ये हैवी प्लाई की पहचान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब देखो पूरा 1.5-2 का ही माल पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ हाँ, ये लेदराइट लगा रखी है हमने, ये सारा लेदराइट, और इसके साथ साथ आपने बेसमेंट भी लगा रखा है। हाँ जी, अभी हम है उसी फैक्ट्री जहाँ सबसे अच्छे चेस्टरफील्ड सोफा बनाए जाते हैं, और हमारे साथ है इस फैक्ट्री के ओनर मिस्टर रोहित, जिन्हें चेस्टरफील्ड स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। तो रोहित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। रोहित जी, हर बार की तरह आपको सब जानते हैं। हाँ जी सर। तब भी एक छोटा सा इंट्रो दीजिए अपना और अपनी इस फैक्ट्री का। आरएम फर्नीचर हमारी फैक्ट्री का नाम है, रोहित मीना मेरा नाम है। ये मायापुरी फेज 2 के अंदर है, C82 इसका एड्रेस है, बेसमेंट के अंदर। हाँ जी सर, यहाँ पे हर चीज बनाई जाती है, सोफा, बेड, हाई बैक चेयर, लो बैक चेयर, डाइनिंग चेयर, A to Z काम हमारे इधर ही होता है सारा का सारा यहाँ पे। एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री ऊपर है। सबसे पहले सोफा तो आपको सब दिखाते हैं, हम ये दिखाएंगे कि सोफा बनता कैसा है फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, और उस चीज की नॉलेज भी देंगे कि 5000 रुपए सीट का सोफा कैसा होता है, और 10,000 रुपए सीट का कैसा होता है, और 8,000 रुपए कैसा होता है, और लाख रुपए सीट का सोफा कैसा होता है। ठीक है, हर फैक्ट्री की तरह यहाँ भी सोफा, बेड, चेयर सब बनाया जाता है, हर चीज बनाई जाती है। हाँ। आप डायरेक्ट ये शोरूम मत समझना, ये सारा कस्टमर का ही आइटम है, हम खाली गंदा ना हो इस वजह से हम यहाँ पे लगा देते हैं, और बाकी सारा फैक्ट्री एरिया है ये वाला, हम यहाँ पे ही काम करते हैं सारा। ठीक है, हमारा डिस्प्ले कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये सारा ऑर्डर का है? हाँ जी सर, ये बेड भी ऑर्डर का है, ये भी ऑर्डर का है, ये सारा का सारा माल यहाँ पे ऑर्डर का ही रखा हुआ है। ठीक है। हाँ जी सर, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ जी सर, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ जाता है वो प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं। हाँ जी सर। और आपने बोला कि अभी आज हमारे पास डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ है, जैसे चेयर्स देख सकते हैं आप इतनी सारी। ठीक है, पर वीडियो की शुरुआत करके क्वालिटी से, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोफ़ा ले रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी सर, जो कि आपकी सोफे की लाइफ को बढ़ाता है, है ना? हाँ जी, जो आप पैसे खर्च रहे हो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऊपर वाली फैक्ट्री से आज स्टार्ट करके वीडियो। हाँ जी सर, तो चलते फिर ऊपर वहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आकर ये पूरा सेटअप दिखाएगा, जो अलग अलग तरीके की चेयर्स है आपके पास। और नो डाउट आपका चेस्टरफील्ड हमेशा फिनिशिंग में होता है। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और हर स्टोर पर बोलता हूँ कि जो चेस्टरफील्ड यहाँ मायापुरी आरएम फर्नीचर में बनते हैं ना, वो मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखे, एक स्टोर पर और देखा है। ठीक है, पर यहाँ जो बनता है वो कहीं नहीं बनता है। तो चलते फिर ऊपर पहले। हाँ जी सर। सर, कस्टमर शोरूम पर चढ़ता है, वो ये नहीं देख पाता कि काम क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप काम दिखाएंगे किस तरीके से कैसा काम होता है। ठीक है, ये हमारा अपोस्ट्री होके सिराना वहाँ पे लगा हुआ है, आप ये बेड देख लो। अच्छा, दिखाओ कस्टमर को भी किस तरीके का बेड है ये। हाँ, बताओ बताओ। ये हाइड्रोलिक बेड है, ठीक है, पूरा 18 mm का प्लाई लग रहा है, नीचे 12 mm लग रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, 12 mm, 15 mm, ये हाइड्रोलिक बेड है, अंदर पूरा माई का लगा हुआ है, सिंगल पल्ले में खुलने वाला बेड है हमारा ये। ठीक है जी, ये देखो, ये हमारा डीको वाला बेड है, अंदर इस तरीके से अस्तर करके देते हैं, पूरा पोस्ट्री होता है। ठीक है, ठीक है जी, इसका सिराना बोरा हमारा। अच्छा, वो जो दो रखे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है, पीछे वाला सिराना इसी का है। ठीक है, तो आपने जो बेड दिखाया, हाँ जी, नीचे 12 mm लगाते हैं, ऊपर टॉप पर आप कह रहे 1.25 इंच लगाते हैं। हाँ जी, पूरा बॉक्स आपका प्लाई में ही रहता है, प्लाई में ही रहेगा सर। ठीक है, और हमारे 30 से 35 साल की गारंटी होती है, गारंटी वारंटी पूरी की पूरी, कि कुछ भी 19-20 दिक्कत कपड़े में भी आ रही है तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं। क्योंकि प्लाई क्या है, प्लाई कटिंग से सुपीरियर माना जाता है। हाँ जी, उससे अच्छी और उससे महंगी, उससे हैवी माना जाता है। हाँ जी सर। ठीक है, प्लाई क्यों महंगी आती है इसलिए हर कोई नहीं लगाता। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि आपका पूरा बेड प्लाई में ही रहने वाला है। हाँ जी सर। ठीक है, ये तो चलो एक बेसिक है, वो हम दिखाएंगे आगे। हाँ जी सर, बेड आपके जो अंदर रखे तैयार वो भी दिखाएंगे, अभी दिखाएगा सोफे। हाँ जी, कि सोफे का बेस क्या होता है। अब हम लोग दिखा रहे थे कम बेड। हाँ, कम बेड का फ्रेम आ गया हमारा ये। अच्छा, हाँ जी, ये दीवान कम बेड बता रहे हैं आप। हाँ जी सर, ये 6x6 अंदर खुलेगा और पूरा का पूरा एक बाजू इधर आएगा। ये मैं बना रहा हूँ 16 फुट बाई 7 फुट के अंदर। अच्छा, इतना बड़ा। हाँ जी, इतना बड़ा कम बेड बन रहा है, ये 3 पार्ट में बनेगा। साढ़े फीट 6 फीट का मैं ये दूंगा, 6.5 फीट का ही आगे वाला दूंगा और 3 फीट का मैं उधर दूंगा, 3-4 फीट का। अच्छा, जो कम बेड है। उसके बाद में पूरा 16 फुट इस तरीके से खुलेगा ये चेस्टरफील्ड में बनेगा हमारा ये। अच्छा, कि आपकी खासियत है चेस्टरफील्ड। हाँ जी सर, ये क्या नाम है हॉल का है किसी के, ये वो बन रहा है पूरा चेस्टरफील्ड। अब क्या कस्टमर को गया शोरूम पे देख लिया, काम की नॉलेज है नहीं और माल की तो नॉलेज वो बताते नहीं है क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता, क्योंकि खरीद लिया, ट्रेडिंग करने वाले बहुत है, माल बनाने वाला कोई नहीं, बेचने वाले 50 बन गए। ठीक है, इस तरीके से आप ये देखो। हाँ। ये 1.5 बाई 2 की मरंडी वुड है। हाँ हाँ जी, ये पूरी 2 है, इधर से 1.5 होगी। हाँ। बुलाई देखो। ठीक है, पूरे प्लाई। हाँ जी, ये 15 mm की है पूरी की पूरी, आगे भी पीछे भी। ठीक है जी, पूरा बेस है, ये बेस देखो। अच्छा, इसका टॉप आएगा, ये इसका टॉप है। ठीक है, 15 mm का टॉप आ गया इसका। हाँ जी, ये इस तरीके से क्या है, इसके ऊपर भी अपहोस्ट्री होएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, इसके ऊपर आ जाएगा ये इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा जैसे बेड पर होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या है, इस तरीके जैसे आ गया और अंदर से कम बेड पूरा खुलेगा, खुल जाएगा। ठीक है, अंदर 6 बाई 6 का साइज है इसका। ठीक है, हाँ जी। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप कभी सोफा लेने जाते हैं तो आप अपने सोफे का फ्रेम जरूर चेक करें। बिल्कुल सही, क्योंकि मार्केट में आजकल मैक्सिमम 1.5 का लकड़ लगता है, 1.5 का सारा लग ही रहा है। हाँ, मैक्सिमम लगता है 1.5 का। हाँ जी, और बहुत कम स्टोर्स है जो जिनके थोड़े प्राइस ज्यादा होता है, वही सिर्फ 2.5 लगाता है क्योंकि महंगी आती है 2.5 लकड़, 1.5 सस्ता पड़ता है। ऊपर से बात जैसे इस पे पूरा ये लगा हुआ रंधा, पूरा साफ करा हुआ, पूरा छिला हुआ है। तो रॉ लकड़ आती है हमारी, ऐसे आती है ये, उस पर रंधा लगाया। ये हर कोई नहीं लगाता क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, आप ये देखो पूरा 1.5-2 का ही माल पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ हाँ, ठीक है। कस्टमर हमारे पास 1000-1000 सीट के ऑर्डर भी आते हैं, हम फिर भी मना कर देते हैं। सस्ते बजट के 5000 रुपये सीट दे दो, 6000 रुपये सीट दो, 1000-1000 सीट के ऑर्डर आते हैं, हम मना करते हैं क्योंकि गलत काम करने में भी वही समय लगना और सही काम करने में भी वही समय लगना है। और हमारी उम्र छोटी है अभी, हम सही काम करना चाहते हैं और सही कस्टमर से भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब नाम बनाना है अभी मार्केट में, नाम ऑलरेडी आपका बन चुका है। हाँ जी सर, मैं आपको यही कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं नाम बन जाते पर क्वालिटी गिरा देते हैं। नहीं, आप ऐसा मत करना, जिस ईमानदार से काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, देते रहना। क्योंकि हमारे सोफे का अगर बेस ही हमारा स्ट्रांग हो रहा है होगा ना। हाँ जी, अगर क्योंकि बेस ही महंगा बन गया तो ऑब्वियसली आप अपने आप उस पर अच्छी क्वालिटी फोम लगाओगे, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक लगाओगे। हाँ जी, तो ये बात होगी स्ट्रक्चर की। अभी यहाँ प्लाई भी देख सकते हैं आप सारी, तो ये प्लाई ही मिलेगी, कोई प्लाई कटिंग बोर्ड नहीं होगा। प्लाई की पहचान मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स, इसके पत्ते 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 दिख रहा है, उसका लालपन, ये हैवी प्लाई की पहचान है। इसके कोर्स, इसका लालपन। मैं कहता हूँ कभी भी आप जाओ किसी फैक्ट्री या किसी स्टोर तो उनको एक बार रिक्वेस्ट करो कि मेरे को मेरा फ्रेम दिखा दीजिए कि कैसा बना हुआ है ये। तो ये फ्रेम हो गया, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा मेन मोटिव है कि आपको क्वालिटी की नॉलेज दे, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सोफे में क्या क्वालिटी की फोम, क्या क्वालिटी का स्ट्रक्चर, क्या क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है और आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। तो ये था ये बेस, ये लकड़, फ्रेम। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर आपकी दूसरे फ्लोर पर, वहाँ फोम की दिखाते हैं कि किस तरीके की फोम होनी चाहिए। चलिए ऊपर, ये हमारा दूसरा फ्लोर है कि यहाँ पे आइटम जैसे फाइनल होके ये आपका इधर ही लगाया जाता है। आप साफ सफाई देखिए कि आपका आइटम किस तरीके से हो रहा है, कितने साफ सुथरी तरीके से काम हो रहा है आपका। ठीक है, हाँ जी, ये मेरा चेस्टरफील्ड है सारा का सारा। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा इसके अंदर होता क्या है। हाँ, ये सब दिखाएंगे अभी, पर पहले आपको क्वालिटी की नॉलेज देते हैं। हाँ जी, ठीक है, बताइए। ठीक है, ये हो रखी फ्रेमिंग पर फोमिंग। हाँ जी, अब जैसे हमने नीचे फ्रेम दिखाया था, 1.5 बाई 2 का फ्रेम है हमारा। हाँ, ये अब क्या है सीट पे अभी एक चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हर सोफे पे देख सकते हैं आपको 2-1.5 ही मिलेगा। ठीक है, रेडी हो रहे। हाँ जी, और यहाँ पर 1.5 की अगर आप आते हैं, 1 लक्कड़ नहीं मिलेगी आपको 1.5 की। ठीक है, बताइए अब। ये सारा ऑर्डर पे ही लगा हुआ माल है हमारा। ठीक है, बाकी कस्टमर सोचता है कि हमारे को स्लीपवेल चाहिए, फैदर चाहिए, जो बोलेगा वो मिल जाएगा। पहले बताओ, कस्टमर के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं, अपने हिसाब से काम नहीं देते। ठीक है, कस्टमर को ये नॉलेज कभी नहीं होती कि स्लिप वेल के नीचे भी कुछ लगता है या नहीं लगता। अब क्या है, हम कस्टमर को नीचे की ही नॉलेज देने के लिए ये हमारा 1.5 बाई 2 का फ्रेम हो गया। उसके बाद में हम लगाते हैं जिगजैग। ठीक है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग आ गए, ये लोहे के होते हैं, ये खराब नहीं होते कभी भी। ठीक है, ठीक है जी, कितना ही हैवी बंदा बैठ जाए, 100 किलो का, 150 किलो का, 200 किलो का। ठीक है, ये निवाड़ है। इसके ऊपर एक काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम हो गया ये। ठीक है, ठीक है जी। अब ये किस लिए लगाया जाता है, व्हाइट वाला? व्हाइट वाला इसलिए लगाया जाता है, जैसे हम मान लो कि ये 40 डेंसिटी का गद्दा लगा रहे हैं। हाँ ठीक है जी। अब ये गद्दा लग गया यहाँ पे इस तरीके से, अब ये हमारे गद्दे की लाइफ बढ़ाएगा। अच्छा हाँ जी, कि फटे ना वो, कि वो फटे भी ना और MM भी कम ना हो। ठीक है। ईपी, उसे ईपी कहते हैं, व्हाइट वाला को ईपी कहते हैं, हिटलोन या ईपी बोला जाता है। अब वो इसलिए लगाया था, अगर हम डायरेक्ट ये गद्दी स्प्रिंग पर लगा देंगे कुछ टाइम बाद स्प्रिंग गद्दे को फाड़ देगी तो उसी चीज को बचाने के लिए वो ईपी लगाई जाती है। हाँ जी सर। अब इस तरीके से ये होता है, ये देखो ये आपका रेडी होती है ये गद्दी जो आपकी। सबसे पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चौथे के ऊपर हमारा आ गया ये। ठीक है। इसके ऊपर भी 1 इंची की लेयर लगती है। हाँ, उसके ऊपर फाइबर लगती है। जी जी जी। फाइबर क्या करती है, फाइबर 1 इंची को लाइफ देती है और 1 इंची फॉर्म जो होती है हमारी गद्दे को लाइफ देती है। इस मारे ही हम 25-30 साल की गारंटी बोलते हैं कस्टमर का, 25-30 साल आइटम चल जाएगा, लेकिन 8-10 साल के अंदर आपको मटेरियल चेंज करना ही पड़ता है सोफे का। हाँ वो करना पड़ता है। हाँ जी सर। तो ये फ्रेम के ऊपर ईपी लग गई। हाँ जी। ईपी के ऊपर एक गद्दी लगी, गद्दी के ऊपर 1 इंची फोम लगती है और 1 इंची फोम के बाद 1 इंची आपकी फाइबर पैड लगती है। हाँ जी। फाइबर भी आपकी 2 इंची वाली होती है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सॉरी 2 इंची होता है, मेरे को पता है। हाँ जी। और मार्केट में उसका अंडर साइज भी आता है, वो 1 इंच होता है, उसको 2 इंच बोल के बेचा जाता है। नहीं नहीं, वो झूठ बोलने को तो कुछ भी बोल दो, झूठ बोलने का काम हमारा है नहीं। ये 2 इंच का फाइबर, मैंने गलती सॉरी मुझे देखो। हाँ हाँ, ये इसकी मोटाई देखिए। हाँ जी सर, ये मोटाई देखिए, ये वाला फाइबर लगता है, इसके ऊपर 1 इंची सॉफ्टी, उसके ऊपर फाइबर। और मेरा को अगर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये मार्केट में फाइबर पैड मिलते हैं, एक लो क्वालिटी का आता है। हाँ जी सर। वो मैक्सिमम लगता है उसको 2 इंच की, वो 1 इंच भी नहीं होता पूरा, पर उसको 2 इंच बोल के बेचा जाता है। 60 ग्राम का, ये हमारा 300 ग्राम का है ये नो डाउट देखने पता लगा इसकी क्वालिटी। हाँ जी सर। ठीक है। अब बात करते हैं गद्दी की क्वालिटी की। हाँ जी सर। है ना, जो अगर कोई फैक्ट्री विजिट करता है तो उनको कैसे पता लगे कि ये अच्छी क्वालिटी की गद्दी है। हाँ जी सर। तो वो बताइए सर, मेरे से ज्यादा ना आप मार्केट में घूमते हो, मुझे आप इस गद्दी के बारे में बताओ कि ये क्या है गद्दी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसलिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिखाइए। आप इसमें गोड़ा रखिए अपना, ये देखो। हाँ ये रखिए, ये देखो। हाँ ये बैठे रहिए 2 मिनट। ठीक है। अब मैं, मेरा 60 किलो वेट है। हाँ रखे रखिए। अब मैं बताता हूँ कि भैया बैठे हुए, ठीक है, अगर कोई लो क्वालिटी की फॉर्म होगी ना, इतनी देर तक बैठो तो उसमें गड्ढा आता है, फिर वो धीरे धीरे करके उठती है, एकदम नहीं उठेगी, धीरे धीरे करके अपनी शेप लेगी। अब आप खड़े हुए एक बार, ये देखिए एकदम ही आ गई, एक बार दोबारा करिए, वो पैर ऊपर करिए वहां से, ये लो बस, ये देखो अब पूरा वेट आ गया। तो किसी को लगे ना कि देखिए पैर ऊपर है, ये रखा हुआ है। और मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री विजिट करते हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो कि वो अच्छी क्वालिटी की गद्दी है या नहीं। अब वापस खड़े हुई, वापस अपनी शेप ले ली, तो ये क्वालिटी होती है, ये बताता है कि कितनी जान इस गद्दी में है। हाँ जी सर। तो ये जनरली सर लगाते हैं अपने हर फॉर्म, हर सोफे पर। हाँ जी सर। और जैसे आपने बताया कि अगर कस्टमर की डिमांड होती है कि उनको फेदर फॉर्म चाहिए, स्लीपवेल चाहिए, या रबर चाहिए, या PU चाहिए, MM फॉर्म चाहिए, वो आप सब लगाते हैं। हाँ जी सर, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा है फेदर 32। ठीक है। ठीक है सर। ये पीले रंग की होती है। हाँ। ये फेदर 40 है। फेदर 40। हाँ जी सर। ठीक है। इसमें मेरे पुरानी बात याद आई है, मैं दोबारा बात बोलूंगा, फिर आप पूरी करिए अपनी बात। स्लीपवेल, ये स्लीपवेल है। हाँ। ठीक है सर। इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब क्या है, कस्टमर को हम भी अपने घर से लाके नहीं दे सकते। हाँ, वो एकदम ठीक है, झूठ बोलने वाली बात है, कुछ भी बोल दो, लेकिन हम लोग झूठ बोलने का काम नहीं है, थोड़े बहुत पैसे इसको बढ़ते ही बढ़ते हैं कस्टमर के। ये स्लीपवेल में 32 डेंसिटी। हाँ जी। अभी आ गया रबड़। ठीक है। हम रबड़ में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रबड़ में काम नहीं करते हैं, रबड़ में भी काम करते हैं हम लोग। कस्टमर कहता है PU लगानी है तो ये PU भी लग जाती है लोगों की। अब आ गया हमारा MM। इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और आजकल मेरे पास सबसे ज्यादा काम इसी में ही है, MM में। हाँ, इस गद्दी के ऊपर कोई गद्दी नहीं है। हाँ जी, किसी को नहीं मानता। ये PU के अंदर जैसे कोई बोलता है कि सॉफ्टी चाहिए, तो ये वो है, ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर दिखती है ये मार्केट। हाँ जी सर। मेरे ख्याल से नहीं, कोई नहीं दिखाएगा फैक्ट्री वाला ये। हाँ जी। ये PU है, कोई कहता कम बजट का सोफा चाहिए, उसके अंदर PU लगा दो हल्के में। ये हल्की PU है। ठीक है। हाँ, हल्का प्लेन हल्की की पहचान है, प्लेन PU। हाँ जी। ठीक है, ये प्लेन हल्की की पहचान है। और महंगी की, ये मार्केट में सबसे महंगी PU मिलती है ये वाली। हाँ जी। ये देखो, इसमें होल होगा, पिन होल बोला जाता है। MM की जो पहचान है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा इसमें ये आ रखे होंगे, ये वाले। हाँ, ये रबर होता है, हमारा रबर फॉर्म होता है। हाँ जी। और इसका मुकाबला कोई नहीं, मैं बार बता रहा हूँ। आप लाखों रुपए सीट का भी सोफा लोगे ना, उसमें भी यही लगेगा। ठीक है, इससे बढ़कर कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ जी, जब बनेगा नहीं तो मिलेगा कैसे कस्टमर को। हाँ जी, मार्केट में मैक्सिमम सब कहते हैं कि हर कोई आजकल फेदर दे रहा है। हाँ जी, हर कोई दे रहा है फेदर। आपने बताया आप जनरली ये वाली फॉर्म लगाते हैं। सर फेदर भी नहीं, 5000 सीट वाला भी यूं कहता है कि मैं स्लीपवेल दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, और ये पड़ता खाता ही नहीं है, मैं बताऊँ। अच्छा। हाँ जी, स्लीपवेल में पड़ता खा ही नहीं सकता, क्योंकि मान लो कि 1000-1500 का तो हमारा गद्दा आ रहा है, कुशन आ रहा है। हाँ। तो वो कैसे दे देगा। हमारा 2500 रुपये सीट का फ्रेम है 1.5 बाई 2 के अंदर, 2000-2500 रुपये सीट लेबर है, फिर उसके ऊपर 4000 रुपये सीट का माल चढ़ रहा है उस पर। अच्छा। फिर कपड़ा भी है। ठीक है, झूठ बोलने की बात है उसको तो कैसे मर्जी कस्टमर को टोपी पहनाने वाली बात है। 4000-5000 रुपये सीट में पड़ता नहीं खाता, 6000 रुपये सीट में भी नहीं खाता, 7000 में भी नहीं खाता स्लीपवेल। अब ये देखिए, अब ये फेदर 40 है, स्लीपवेल 40 है। तो मैं बार बताता हूँ कि फेदर अलग होती है, स्लीपवेल अलग होती है। लोग आपको बोलते हैं कि स्लीपवेल दे रहे, स्लीपवेल फेदर अलग होगी। शीला ग्रुप का दोनों ब्रांड है, स्लीपवेल अलग होती है, फेदर अलग होती है। मोटाई भी हमेशा स्लीपवेल की फेदर से मोटी ही रहेगी हमेशा। अगर जेन्युइन स्लीपवेल होगी तो फेदर से स्लीपवेल मोटी रहेगी। ये स्लीपवेल की क्वालिटी है ये। हाँ, ये देखिए, ये ब्लू इसमें दिख रहा है, ये 40 डेंसिटी का माल है हमारा। इसके अंदर ये देखो ब्लू कलर के दाने आ रहे होंगे। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो ब्लू इसमें नहीं आ रहा होगा, इसमें ना दिख रहा होगा, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा। वैसे मेरे को दिख रहा आंखों से ब्लू वाला। ये स्लीपवेल की पहचान, ये स्लीपवेल की पहचान नहीं है। आपको ये कहता है कि हमने लाल रंग का लगा दिया तो इसमें स्लीपवेल लगा दिया, पीले रंग का लगा दिया हमने फेदर का लगा दिया। इस तरीके से क्या ना जाइए। हाँ, कस्टमर को गुमराह करने वाली बात है, मार्केट में गुमराह करा जाता है। अभी पुरानी बात जो याद आई थी इनके कलर से, तो किसी एक सोफे वाले भैया ने कहा था कि वो पूरा लगाते अपने सोफे पर फेदर फोम और स्लीपवेल, और जब उन्होंने उनकी फैक्ट्री विजिट करा, उन्होंने अपनी वीडियो में फैक्ट्री दिखाई, एक भी मेरे को गद्दी वहाँ नहीं दिखी। मैंने खुद वीडियो देखी एज अ व्यूअर। हाँ जी, वहाँ पे मेरे को एक भी फेदर की गद्दी नहीं दिखी। हाँ जी, उन्होंने क्या बोला, और उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि डेंसिटी का कलर क्या होता है। उन्होंने क्या बोला, फेदर में 3 कलर आते हैं, ग्रीन, येलो और हमारा पिंक। अब उनको इतना नहीं पता था कि ग्रीन कलर का क्या डेंसिटी होता है। पहले उन्होंने क्या बोला मैं ये बताता हूँ आपको। उन्होंने बोला ग्रीन कलर, उन्होंने बताया कि 32। हाँ जी, येलो उन्होंने बताया 40, और पिंक वाला उन्होंने बताया 50। एक्चुअल में जो फेदर होता है, ग्रीन हमारा होता है 28, येलो होता है 32, पिंक होता है 40। ठीक है, और फेदर में कभी हमारा ब्लू कलर आता ही नहीं है, 50 कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा स्लीपवेल में बनता ही नहीं है, वो स्लीपवेल में आता है। उन्होंने प्लांट ही नहीं लगाया अभी 50 डेंसिटी। हाँ, अब उन्होंने कैसे बोला मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं लूंगा, पर कोई नहीं। अब हम ये हमने दिखा दी सीट पे क्या लगाते हैं। हाँ जी सर, बैक की जो फोम लगी है, कस्टमर कुछ भी लगवा सकता है हमसे ना। इसमें कस्टमर बोलेगा MM लगाना, MM लगा देंगे, जोन सा क्वेश्चन पसंद करेगा। ये नहीं कि हमारे पास 1-2 सैंपल दिखाया कस्टमर अटेंड करा, ऐसी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 सैंपल है, और इसके अंदर ये मान लो कि कस्टमर की 8-10 साल लाइफ होगी। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भले इस फैक्ट्री में ऑर्डर दीजिए या कहीं भी ऑर्डर दीजिए, हमेशा सोफ़ा लेने से पहले उनका बेस चेक कर लीजिए कि उसमें क्या स्ट्रक्चर लगा, क्या फोमिंग लगी है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप किसी फैक्ट्री में पहले ऑर्डर देते हैं तो एक बार देखिए कि एक्चुअल में वो लग रहा है या नहीं लग रहा। अब हम देते हैं, ये वाइट वाली फोम लगी हमारी, जो सॉफ्टी बनती है आपकी, ये हम लोग सॉफ्टी देते हैं। ठीक है, अब चेस्टरफील्ड का मामला रहता है तो हमारा शुरू से चेस्टरफील्ड के अंदर ज़्यादा ही दिमाग देखा जाता है। हाँ जी, इसके अंदर क्या है, हम 3 इंची का होल करते हैं, 3 इंची माल लगा के। हाँ। क्योंकि बटन हमारा जाए डीप अंदर तक, एकदम। ये मेरी 3 इंच की ही उंगली होगी। हाँ। 3 इंची माल लगाते हैं हम लोग इसमें। सॉफ्टी की पहचान, ये क्वालिटी की पहचान यही होती है, पूरी व्हाइट कलर की होती है ये, और पूरा सॉफ्ट रहती है, स्ट्रेंथ उसकी एक बार। हाँ जी, ये देखो सर, ये सॉफ्टी होती है, ये वही पूरी मोड़ दो, जैसे मैंने तोड़ दो, मोड़ दो, फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ये देखो, वापस अपनी शेप एक बार थोड़ी देर तक रखिए, ये लो सर, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपनी वीडियो में बनाता हूँ तो थोड़ा नॉलेज दूँ लोगों को, भले मुझे नॉलेज ना हो, आप लोगों के साथ रह के थोड़ी नॉलेज आ जाए। ठीक है, अब वापस रहोगे एकदम अपनी शेप ले लेगी, करिए बस। और कोई होती तो फट जाती, टूट जाती। ये लो, मोड़ लो। हाँ, ये एकदम नहीं फटी। ठीक है, अपनी शेप ले ली। ये देखो, ये होती है सॉफ्टी, उसकी क्वालिटी और उसकी पहचान, बहुत होगी नॉलेज। ठीक है, अब चलते हैं अपने सोफे पर। हाँ जी, ठीक है, बताइए सोफे के बारे में। और हाँ, फैब्रिक की चॉइस काफ़ी है, आप भले यहाँ पे 300 वाला फैब्रिक लीजिए या 3000 वाला फैब्रिक लीजिए, आपको हर तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा। ठीक है, बताइए। आती है हमारी चेस्टर की फिनिशिंग की बात, जिसका मैं दीवाना हूँ। हाँ जी सर, ये देखो सर, इसकी फिनिशिंग, एक भी रिंकल नहीं है उसकी, जो टफ्टिंग हो रही है उसकी डीपनेस चेक करिए कितना डीप है एकदम। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइस की आपके चेस्टरफील्ड की। हाँ जी सर बताइए। प्राइस तो सर देखो कस्टमर जो आएगा जो कहेगा वो लग जाएगा, प्राइस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग आप जितना देना चाहते हैं दीजिए, है ना सर। हाँ जी सर, प्राइस की कोई बात ही नहीं है सर, कस्टमर से हमारा अच्छा व्यवहार है, खराब व्यवहार नहीं है हमारा। कस्टमर कहेगा ना कि भैया मेरे पास पैसे कम है तो चल जाता है। अभी क्या है शादी का सीजन चल रहा है, बहन बेटियों की शादी चल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग उनों का आइटम ही कर रहे हैं अभी, जितने भी शादी ब्याह का आइटम है ये भी हमारा किसी के उसमें ही जा रहा है। ठीक है, एक दीदी उन्होंने बनवाया है ये हमारा। हाँ जी, ये क्या शेप है हमारा, ये 8x6 का है। अच्छा 8x6, ये 3-2-1-1 एक सेटी। ठीक है, आजकल ये सेटी भी काफी चल रही है, नीचे पैर लगे हुए हैं इसमें यही वाले। ये पूरा चेस्टरफील्ड है ये। ठीक है, हाँ जी, बीच में सेंटर टेबल आएगी। अच्छा। चेस्टरफील्ड की लेना चाहें आप चेस्टरफील्ड की भी टेबल ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी। अब ये हमने जो हमारा नॉन शेडेड फैब्रिक लगा हुआ जो आजकल बहुत चल रहा है। हाँ जी, अब ये लेदर हाइट में बनी हुई है, बहुत सुंदर। हाँ जी, जो असली चेस्टर की पहचान है वो लेदर है, असली जो हमने बताया था प्योर लेदर ब्राउन कलर। बिल्कुल सही, वो आजकल कोई लगवाता नहीं है। ये भी एक मतलब बना रखा है आपने, तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चेस्टरफील्ड मिलेगा वो फिनिशिंग में विद क्वालिटी। मैं बार बार बताता हूँ जो चेस्टरफील्ड यहाँ बनता है मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही रेयर होगा किसी दुकान पर आपको दिख जाए। ठीक है, अब ये बेड भी रेडी है चेस्टरफील्ड, चेस्टरफील्ड में 12 फीट का रेडी है, पूरा का पूरा चेस्टरफील्ड है ये वाला। ठीक है, ये भी हमारी सेट ही है लेदर हाइट में बस। हाँ जी, कारीगर की पहचान यही है कि फैब्रिक में और लेदर हाइट के अंदर फिनिशिंग दे दे। आप कोई हमारा फिनिशिंग में हाथ नहीं पकड़ सकता, कारीगर भी और मालिक भी कोई भी। ठीक है, आप ये देखो इसके अंदर किसी के बस की नहीं होगी ये चेयर बना दे अच्छी तरह, मतलब फिनिशिंग के अंदर बना सकते बन तो जाएगी। हाँ। लेकिन फिनिशिंग में नहीं बनेगी लेदर हाइट की फिनिशिंग, क्योंकि बहुत खराब आती है, सबसे खराब आती है लेदर हाइट की फिनिशिंग। जी जी, ठीक है, और आपको जाना जाता है सिर्फ चेस्टरफील्ड के मेन। हाँ जी, बनता तो हर कुछ है यहाँ पर। हाँ जी, और जो आपकी पहचान है चेस्टरफील्ड के नाम से पहचान है। बिल्कुल सही बात। तो अब पता क्या था, नीचे चलते हैं वो चेयर सिखाते हैं अपनी, और प्राइसिंग की बात नीचे ही करेंगे पूरी। हाँ जी सर, तो एक एल शेप भी है यहाँ पर। हाँ जी, ये नई फाइल हमारे पास आई है जैगवार नाम से। अच्छा, हाँ जी, ये उसका फैब्रिक है। ठीक, इसके अंदर कलर हमारे पास 50-50 कलर हर चीज में मिल जाएंगे। ये 9x7 का एल शेप है हमारा। अच्छा, आपको एल शेप बनवाना है तो एल शेप बन जाएगा, यू शेप बनवाना है यू शेप बन जाएगा, बाकी 3-2 का कुछ आइटम चाहिए हो तो 3-2 में भी बन जाता है। ठीक है, अब हाँ जी मतलब सामने से रियल में देखने में मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सब। हाँ जी सर, मेरा कैमरा पता नहीं हर बार मैं बोलता हूँ क्यों कैप्चर नहीं करता, कैमरा थोड़ा क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी बढ़ाएंगे, अच्छा समय आएगा बढ़ाएंगे। वो भी चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पर वापस। हाँ जी, थोड़ी बहुत शायद मेरे ख्याल से नॉलेज मिल गई होगी लोगों को कि फर्नीचर बनवाते समय या सोफा बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी सर, है ना। अब हम अपना फर्नीचर दिखाते हैं जो आपके डिस्प्ले में अभी चेयर्स और सोफा रखे हुए हैं। हाँ जी, थोड़ा बहुत सोफा हमने ऊपर दिखा दिया। हाँ जी सर, और अब दिखाते हैं कि जैसे बेड के हेडबोर्ड है, ये जैसे ये बेड का सिराना है हमारा एक। हाँ, बेड इसका वहाँ रखा हुआ है हमारा, है ना। अब ये बेड के लगाया जाता है आगे। अच्छा, और ठीक है, ऑटोमैन आगे हमारा सेटी बोला जाता है। अच्छा, क्या बात है, स्टोरेज मिल गई ऊपर भी नीचे भी। हाँ जी, अलग अलग नहीं तो क्या होता था कि ऊपर ही मतलब खाली एक ही तरफ से ओपन करते थे, कि ऊपर से ओपन करा ये पूरी गहराई होती थी कि आप सामान एक के ऊपर एक रखो। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ रख लो, थोड़ा बहुत यहाँ रख लो। हाँ जी सर, एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई, बढ़ गई। ठीक है, ये ऑटोमैन हो गया। और एक ये वाला साथ में रखा, जैसे एक ये हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था ये। हाँ, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया ये वाला। हाँ जी सर, ये काफ़ी पसंद आया ये, और ऑर्डर भी इसके काफ़ी आए, इसके भी और इसके भी। और पीछे हेडबोर्ड। हाँ जी सर, ये बेड का सिराना है, आप जैसा डिजाइन हमें देंगे वैसा आइटम बन जाता है हमारे पास ना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हो, डेप्थ है। और ये जो क्विल्ट है बर्फी काफी चौड़ी है, छोटी छोटी चलती है, आपने ये सारा हैंडवर्क है। कस्टमर ने जैसा हमें डिजाइन दिया वैसा ही बना हुआ है, उसके डिजाइन में भी यही था। 2x2 2.5x2 की क्विल्टिंग जो रेगुलर में देखने को मिलती है, काफी छोटी छोटी बर्फी होती है, काफी बड़ी है। ये वाली देख लीजिए, ये वाली देख लीजिए, और इनका डेप्थ देखिए एम्बोस्ड कैसे उभर के आ रही है ये चीज। हाइड्रोलिक के अंदर आजकल हमारा ये बेड काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, वो बेड दिखाया गया पीछे। हाँ जी, अभी चेयर्स और सोफा दिखाते हैं, उसके प्राइस बताते हैं। ये लोटस चेयर है हमारी। हाँ, जो कमल चेयर बोली जाती है मार्केट में, काफी ज्यादा हमारी चल रही है। ठीक है, हाँ जी सर, बताइए। अच्छा, क्वालिटी आपने बताया जनरली जो आप लगाते हो आपने दिखा दिया। हाँ जी सर, हर सोफे पे वही स्ट्रक्चर वही फॉर्म लगती है। हाँ जी सर, डिजाइन और प्राइस बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, है ना। डिजाइन लोटस का डिजाइन है इसका, सागवान का इसका पैर होता है सारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, प्यूज पे पॉलिश हो रखी है, गोल्ड की कैपिंग लगी होती है, ठीक है। हाँ जी, खराब होता नहीं है। आइटम में कोई 19-20 दिक्कत आती है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ में एक पिंक वाली बहुत प्यारी, तो लास्ट टाइम आपने 2 तरीके की दिखाई थी। हाँ जी, सेम डिजाइन पर 2 तरीके से बनी हुई थी। ये फ्रिल चेयर है, इनों का पूरा कोठी का काम करा हुआ है इन सर का हमने, ठीक है। और ये इनों की एक आइटम ये है और एक आइटम अभी ये निकली हुई रखी हुई है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, ये देखो। और इसमें एसएस के लगे हमारे रोज। हाँ जी, नहीं गोल्डन फिनिश में एसएस के लगे। हाँ जी, हाँ। तो इन दोनों का प्राइस क्या होता है? इसका सर 12,000 रुपये पर सीट का प्राइस है। हाँ। इसका 14,000 रुपये सीट का प्राइस है। 14,000 रुपये पर चेयर, पर चेयर 12,000 रुपये पर चेयर। हाँ जी सर, अगर कोई आता है को डिस्काउंट तो हर कोई मांगता ही मांगता है। डिस्काउंट की तो सर देखो कोई बात है ही नहीं इसमें, तो कस्टमर हमसे आए बैठ के बात करे सब हो जाता है, ठीक है। तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है। हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है ये लोली, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, इसका आर्म भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर, ये बताइए, ये भी कैटलॉग की ही चेयर है, कस्टमर की ही चेयर है ये भी। हाँ जी, ये भी 14,000 रुपये इसका प्राइस है। ये काफी कंफर्टेबल चेयर है, ये काफी स्पेशियस आम ना। हाँ जी, आपने बाहर की तरफ निकाल दिया। हाँ जी, तो उससे और स्पेस मिल गई बैठने। इसमें क्या है, पतला बंदा भी आराम से बैठ सकता है, मोटा बंदा भी आराम से बैठ सकता है, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई। और हैवी से हैवी बंदा बैठ सकता है इसमें। पूरा पॉलीफिल वर्क कर रखा है इसके अंदर हमने, सॉफ्टी वर्क पॉलीफिल वर्क का उसमें हो रखा है, ठीक है, उससे और एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस मिल जाती है। हाँ जी, अब ये जो आपकी बहुत चलती है एक ये वाली, एक मतलब दोनों सेम डिजाइन है, बस वो लेदर में बनी है। ये हमारे पास नया डिजाइन बना है, इसका क्या है बैक और बाजू काफी मोटे बने हुए, हैवी अच्छा, है ये सारा है थोड़ा। हाँ जी, ऑन डिमांड बनाया कस्टमर के आपने। हाँ जी, कस्टमर ने हमें ड्राइंग बताई है उसके हिसाब से बनाई है, जो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी, ये देखो उधर, मोटा बंदा भी आराम से बैठेगा, पतला बंदा भी इसमें आराम से बैठेगा, काफी अच्छी लग रही है। हाँ जी, मैं बार-बार कहता हूं कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा वो चीज। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है। ये पूरा चेस्टरफील्ड है हमारा, ठीक है। फिनिशिंग आपकी चेस्टरफील्ड मुंह से बोलती है। 3 कस्टमर लेना चाहे तो अलग भी ले सकता है, इसमें प्रिंट भी ले सकता है, इसके अंदर अलग कलर भी ले सकता है, ठीक है, करवा सकता है कस्टमर अपने। तो आप कह रहे हैं कि जैसे इसमें एक ये वाला लगा हुआ है, प्रिंटेड लगा हुआ, साइड में प्लेन लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से जैसे मर्जी आप फैब्रिक लगवा सकते हैं। ये देखो सर, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, क्या कलर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रही है। अब कस्टमर कहता है कि ये काफी ज्यादा ना डीप चले जाता है चेस्टर हमारा, तो किसी कस्टमर को पसंद नहीं आता, तो हम कस्टमर सोचता होगा कि इनों को काम करने आता ही नहीं आता, इस वजह से हमने थोड़ा ना ऊपर ही बटन दे दिए इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है, कि ये नहीं है कि हर चीज हमारी पसंद आ जाएगी कस्टमर को। हाँ, है ना, शुरू से हमारा ये लोग ये भागे कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने ये भी करके दिखा दिया कस्टमर, मतलब उनके पसंद की आपने ये चेयर बना रखी है, उनको पसंद आया। हाँ जी, कस्टमर को पसंद आनी चाहिए। इन चेयर का क्या प्राइस है विंग बैक का? सर इनों का प्राइस है 28,000 रुपये जोड़ा। अच्छा, 14,000 रुपये एक चेयर, 28,000 रुपये पेयर हो गया हमारा। प्रिंटेड फैब्रिक लगता है तो इसमें 30,000 रुपये जोड़ा पड़ जाता है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा आता है, महंगा आता है क्या? हाँ जी, प्लेन से महंगा आता है। हाँ जी, क्योंकि उसमें 600-700 रुपये मीटर का फैब्रिक आ जाता है ना। अच्छा, तो उसमें 1,000 रुपये सीट एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ते हैं हम लोगों को, ठीक है। अब ये वाली चेयर हमने काफी दे भी रखी है और काफी लोग बागों को पसंद आती है, बहुत सुंदर चेयर है, मजेदार। और आज हमने लास्ट में दिखाया था कुछ मतलब एकदम क्रीम कलर का बेज कलर का फैब्रिक दिखाया था, आपने डार्क दिखाया आज, अच्छा लगा। हाँ जी, ये देखो, ठीक है, ये भी कस्टमर की है क्या? हाँ जी, ये भी हमारे पास, ये मान लो कि एक क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन भी हमारा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सब कुछ कस्टमर का है यहाँ पे। अच्छा, आपने उनका बना रखा है ये सारा? हम तो खाली वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास माल भरा हुआ है तो वीडियो बना दिया, आपको बुला लिया हमने वीडियो बनाने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं होता हमारा, ठीक है। हाँ जी, ऑन डिमांड ही बनता है। हाँ जी, यहाँ पर सब कुछ। अब इन चेयर्स का क्या प्राइस दे रहे हैं आप? किसका सर? इन दोनों चेयर्स का। ये भी 28,000 रुपये जोड़ा, 30,000 रुपये जोड़े पे हम ये चेयर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, 28,000 30,000 वही प्रिंट होगा तो 30,000। हाँ जी, जैसे लेदराइट हो गया 30,000 रुपये जोड़ा है, वैसे 28,000 रुपये जोड़ा है, ठीक है। और ये ऑटोमैन रखे छोटे छोटे, ये सर 3,500 3,000 इस तरीके से। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डमरू स्टाइल लग रहा है। हाँ जी सर, हमारा ये फ्रिल का है, आजकल क्या है फ्रिल काफी ज्यादा चल रहा है, हमने ये फ्रिल का निकाला हुआ है। इस सोफे वगैरह बेड वगैरह हमारे पास बनते रहते हैं फ्रिल के आइटम में ना, क्योंकि ना ये बहुत पुराना डिजाइन है, ये प्लीट्स वाला हमारा। हाँ जी, ये फ्रिल बहुत पुराना डिजाइन है, बीच में एकदम आउट हो गया था, अब लोगों को वापस पसंद आ रहा है ये। हाँ जी सर, हाँ, तो मार्केट में काफी इन हुआ ये वाला। तो ये क्या, ये एक्सेसरी? अच्छा, ये आपने वो लगा रखी है, ये पाइपिंग लगा रखी है हमने ना, फैब्रिक है ये, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमारी वो फैब्रिक है, ये पूरा मेटल का लुक दे रही है। हाँ जी सर, ठीक है जी, वही सेम आगे जो हमने वहाँ दिखाया था वो वाला प्रॉब्लम जी। अब ये मेरे को लास्ट टाइम बहुत पसंद आई थी, ये पूरा चेस्टरफील्ड है ये वाली भी। हाँ, कि इसका पूरा बॉर्डर और सीट वन पीस में बना हुआ है, सिंगल फैब्रिक में, कोई जोड़ नहीं है इसमें। हाँ जी सर, बिल्कुल। और एक्यूरेट क्वालिटी आ रही होगी इसकी। तो इसका क्या प्राइस है? इसका सारी इसका भी यही है, 14,000 से 15,000 पर सीट का, पर चेयर। 14,000 से 15,000 तक एक चेयर आपको ये मिलेगा। हाँ जी, ये बेड जो पूरा अभी डिस्प्ले में लगा हुआ है, बताइए बेड के बारे में। अच्छा, पूरा हाइड्रोलिक बेड है ये, वन पीस में उठा है ये। हाँ जी, हैटिच के इसमें हाइड्रोलिक होंगे, ये जो सॉकर वगैरह हैटिच के होंगे, पूरा अंदर माई का होगा। मैंने वहाँ पे भी आपको एक सैंपल दिखाया, 2-3 सैंपल दिखाए, उस तरीके से ही ये है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर कोई आपसे बेड लेते हैं विदाउट लैमिनेट, विदाउट हाइड्रोलिक, उसमें नॉर्मल डीको या कुछ भी लगाओ उस पर, तो उसका क्या प्राइस होता है? 6x6 सर, उसका 6x6, 6x6.5 ले ले, 6x7 ले ले, 35,000 रुपये प्राइस लेता है। अच्छा, वो पूरा प्लाई में होगा? हाँ जी, पूरा प्लाई में ही होगा वो, दिखाया अभी सिर्फ प्लाई ही लगता है यहाँ पर। हाँ जी, इस बेड को जहाँ मर्जी आप रोक सकते हो, ये देखो यहाँ पे रोको, ये नीचे गिर जाएगा पूरा, यहाँ तक जैसे मर्जी स्टॉप हो जाता है ये। ठीक है, अभी जो ये पूरा बेड रखा हुआ, खाली बेड हाइड्रोलिक के साथ, लैमिनेट के साथ, ये कितने का? ये 50,000 रुपए का बेड है जी। अच्छा, ये 50,000 का देते हैं आप? हाँ, 1,500 कस्टमर आता है, कम हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वारंटी की क्या होती है? वारंटी तो देखो सर, पूरा प्लाई में बना हुआ, 30-35 साल का ही, हिलता ही नहीं है ये आइटम। अच्छा, ठीक है। और इन सोफे की, चेयर्स की, इस चेयर की, सोफे की या चेयर्स की क्या वारंटी देते हैं आप? सोफे चेयर की भी वही है, क्योंकि हम लोग माल बढ़िया लगाते हैं, 30-35 साल गारंटी वारंटी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 साल के अंदर आपको फैब्रिक चेंज करवाना पड़ता है, फैब्रिक और अंदर का मटेरियल। अच्छा, वो भी 8-10 साल के अंदर? 10 साल। हाँ जी, 10 साल बहुत होता है, क्योंकि हम सारा का सारा मटेरियल हैवी यूज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, चेयर दिखा दी। अब जो मेन आपकी हमने प्राइस चेस्टरफील्ड सोफा पर दिखाया था, हाँ जी, बहुत अच्छा कलर दिख रहा है। प्राइस की बात करके चेस्टरफील्ड की, वो आप क्या में कितने रुपए में देते हैं? यहाँ पे हमारे 2 प्राइस है जी। एक हल्के फैब्रिक में कोई लेता है तो 8,500 है, कोई हैवी फैब्रिक में लेता है तो 9,500 पर सीट है। ठीक है। हाँ जी, हैवी वाला मतलब अभी के जो आपने बताया, जो 8,500 में कितने रुपए वाला फैब्रिक लगाते हैं आप? उसमें हमारा 150 से 200 रुपये मीटर का होता है। 200 रुपये मीटर वाला? हाँ जी। इनकेस कस्टमर कहता है कि मैं अपना फैब्रिक लेकर आ रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है, तो उसमें क्या लेस हो जाता है? जैसे मान लो 8,500 पर सीट है, कस्टमर हमारे पास 1,000 रुपये मीटर का फैब्रिक ले आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 रुपये मीटर हम उसको फैब्रिक के पैसे काट देंगे। ठीक है, तो पर सीट में कितना मीटर फैब्रिक लगता है? फर्स्ट सीट के अंदर 4 मीटर फैब्रिक लग रहा है, मान लो कि 10 सीट का हमारा सोफा है, तो 40 मीटर फैब्रिक आएगा, तो 8,000 रुपये हम उसके कम करेंगे। अच्छा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना फैब्रिक देते हैं तो आपके फैब्रिक के पैसे लेस हो जाएंगे। अब ये इसकी फिनिशिंग देखो सर, ऑटोमैन जिसकी पफी पूफ कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ये पफियाँ हैं इसकी, छोटी छोटी, आप देख कितनी फोमिंग है इसमें, कितनी फोमिंग है। ये इसमें भी 40 डेंसिटी का गद्दा लगा हुआ है पूरा इसमें। ये टेबल आ गया, अगर आपको ये सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल का साइज कस्टमर अपने आप से बता सकता है हमें, ये नहीं कि हम अपनी चीज कस्टमर को दे दें, भाई 2x2 के ले लो, 4x4 के ले लो। कस्टमर ने 3.5x4 की टेबल मांगी है, वो ही दी है हमने। ठीक है, मार्केट में क्या होता है आजकल, बहुत सागवान की भी चल रही है और लोग लेते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। इम्पोर्टेड भी बहुत चल रही है, अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप ये भी ले सकते हैं। एक जनरली अगर हमारे 3x3 की टेबल हुई, उसका क्या प्राइस होता है? 3x3 की टेबल हुई या चाहे 4x4 की हुई, एक सीट का हम काउंट लेते हैं उनमें। अच्छा, वही 8,500 से 9,500 रुपये पर एक दे देंगे। और वो जो टेबल्स आती है इम्पोर्टेड या सागवान, वो कम से कम 25 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग, 22,000, 25,000, 30,000 वो आती है, स्टार्टिंग होती है उनकी। ठीक है, तो अच्छा, तो अगर आप एक कुछ नया लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं आप, सिर्फ 8,500 या 9,500 में। साइज अगर आपका 3x3 हो या 4x4 हो, जो भी सर ने बताया। हाँ जी सर, ठीक है। अब जैसे ये एक चेयर आ गई, बहुत सिंपल लग रही है ये वाली, ये बहुत सिंपल चेयर है, डाइनिंग चेयर में भी यूज हो जाती है, स्टडी चेयर में भी यूज होती है, नॉर्मल बैठने के लिए भी ये यूज होती है चेयर। ठीक है। हाँ जी, तो ये कितने की है सर? ये 10,000 रुपये की चेयर है। उसका फैब्रिक भी अलग है कुछ? हाँ जी सर, कुछ अलग है फैब्रिक। ये फैब्रिक कितना मीटर है? फैब्रिक सर हमने 500 रुपये मीटर का यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये 10,000 की सिंगल चेयर है। हाँ जी, ठीक है। और इसकी वारंटी वही जो आपने बताया? हमारे हर आइटम देख लो आप, कुशन भी लोगे ना, एक कुशन की भी गारंटी उतनी है, पफी लोगे पफी की भी गारंटी उतनी है, हमारे तरफ से आप सोफ़ा लोगे उसकी उतनी भी गारंटी है। ठीक है। और ये जो सोफ़ा रखा भी, ये वाला सोफा हमने वीडियो में पहले दिखा भी रखा है। लो बैक टू हाई बैक हो रही है। हाँ जी, अब आप ये देखो इसको, बहुत सुंदर फिनिशिंग। आपका जो सोफा या बेड होता है ना, मुंह से बोलता है क्या फिनिशिंग होती है। मैं हर बार कहता हूँ कि उसमें मटेरियल चेक करो कितना लग रहा है, कितना डीप है ये। हाँ जी, कितना डीप है कि कंफर्ट हमेशा हैवी फोम से ही आती है। ठीक है, तो ये कितना दे रहे हैं अभी आप? सर ये 12,000 पर सीट का सोफा है हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो जितने भी आपके पास एरिया है, अगर आपको 2 सीटर लगता है तो 24,000 का होता है, 3 सीटर लगता है तो 36,000 का होता है। हाँ जी। और सर ने जैसे बताया कि ये सारे प्राइजेस नेगोशिएबल है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है हर कस्टमर का एक राइट होता है नेगोशिएट करना। हाँ जी, वो हर किसी का है। अब ये वाइट वाला सोफ़ा, हाँ जी सर बताइए इसके बारे में। ये भी सर कस्टमर का ही डिज़ाइन है, कस्टमर का ही सोफ़ा ये। हाँ हाँ जी, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर डिजाइन आ जाता है। 8,500 पर सीट का सोफा है हमारा। अच्छा, 8,500। इसमें मेरे ख्याल से बैक पर ये फोम लगी हुई है ना? हाँ जी, वो कुशन हमारा जो आता है गद्दी वाला, वो है ना कुशन है। तो नहीं तो जनरली क्या होता है फोम लगती है हमारे 2 इंच की, 3 इंच की सॉफ्टी फोम या कुछ भी लगती है, ये हमारा कुशन लगा हुआ है गद्दी। इसमें एक अलग चीज दिखाई थी आपने, आपने कहा था कि आपने अपने लिए ही बनाई है टेबल, एक बार दिखा दीजिए। ये मैंने अपने लिए बनाई है क्योंकि ये फाइल है ना सारी की सारी फैलती है। हाँ। तो हमने थोड़ा सा इसमें ये पर क्या है टैल लग रही है, हम पत्थर हम ला नहीं सकते क्योंकि हाँ। महंगा पत्थर है, लूज और फिक्स नहीं करा हुआ। 8-10 हजार रुपए का पत्थर आएगा इसका। हाँ हाँ, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने टैल लगा दी और बाकी ये देखो बहुत बढ़िया। तो नीचे से इसके अंदर सामान हाँ, पूरा है। अभी नीचे फिनिशिंग करी नहीं है, नीचे के वो तो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बना रखी है। हां जी हां जी, कस्टमर को चाहिए तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग बोलते हैं कि ऊपर से खुल सकता था, ऊपर से इसलिए नहीं खोला इन्होंने क्योंकि ये लूज रखी हुई है, कोई फिक्स नहीं करी हुई टाइल। हाँ जी, कोई चिपकान रखी, दूसरा भी इन्होंने नीचे से बनाई है। ये बॉक्स वाली है अंदर। हां, अच्छा लगा मेरे को। अब एक बार चलते बाहर जहाँ सोफे आपके तैयार हो रहे। हां जी सर जी, क्या बात है, इतनी अच्छी चीज आपने यहाँ बाहर रखी हुई है। इसको भी अंदर डिस्प्ले में होना चाहिए था पर इतनी वहाँ जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हैं कितना भरा हुआ, नई जगह तभी ऊपर वाली फैक्ट्री ले रखी है। हाँ जी सर, ठीक है बताइए इसके बारे में। सर ये नया ही डिजाइन है जो मार्केट में चल रहा है अभी। अभी 2-3 बार ही आइटम बिका है ये जी। इसके अंदर लूज कुशन भी आएंगे और ये स्ट्राइप वाला सोफा है, पूरा ये स्ट्राइप है। और बाहर से देखेंगे तो पूरा बर्फी वाला डिजाइन हो रहा है, क्रिस क्रॉस। जैसे हमने पहले बताया था कि ये पक्की क्विल्टिंग होती है, स्ट्रेचिंग वाली, सिलाई वाली। कच्ची कुल्टिंग वो होती है जो हम लोग करते हैं, हाथ से कच्ची कुल्टिंग बोलते हैं, जो हैंड वर्क होता है। ये पक्की कुल्टिंग का काम है, मशीन का काम है सारा। ठीक है, हाँ जी। ये लेदराइट लगा रखी है हमने, ये सारा लेदराइट। और इसके साथ साथ आपने बेस पे भी लगा रखा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, बेस पे भी लेदराइट ही है। पूरी आपको लुक दे रहा है, मतलब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका मेटल लगा हुआ है पर ये लेदराइट है। और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है वो मेटल की जो आपकी स्ट्रिप होती है या शीट होती है वो हट जाती है, उखड़ जाती है और कभी कभार उससे हाथ बिगड़ जाता है, पैर बिगड़ जाता है। तो उसी चीज से बचाने के लिए ये लेदराइट लगा रखे और इसमें कॉस्ट कटिंग करी गई है इसमें। हाँ जी। तो अभी ये सोफा ये आप कितने पर सीट दे रहे हैं? मान लो बाहर शोरूमों पे ये मिल रहा है कि 15-16 हजार रुपए सीट, 18,000 रुपए सीट मार्केट में चल रहा है। ठीक है, ये मैंने कस्टमर को 9,000 रुपए सीट दिया हुआ है। ये 9,000 रुपए पर सीट आपने दे रखा है? हाँ जी सर, इस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे बहुत अच्छे। ये 3 कुशन है इसके साथ। हाँ जी, ठीक है। अगर ये आता है मेरे को ऐसे में ही बड़े 3 कुशन कर दो कि पूरा पूरा गैप फिल हो जाए जो बीच में दिख रहा है ये वाला। सर कुशन की तो कोई बात ही नहीं है, कस्टमर हमसे बोलता है कि 5 सीट में 10 कुशन चाहिए या 8 चाहिए, 7 चाहिए। 1-2 छोटी मोटी चीज की कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा आइटम नहीं हो सकता उसमें। अच्छा, हाँ वो ठीक है। ये तो मतलब आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हाँ जी, कुशन पूरा भी हो जाएगा सेम प्राइस में। और ये एक पीस रेडी हो रहा है। हाँ जी, ये 3-2 है। ठीक है, ये हमारे ही हम लगा नहीं पाए क्योंकि अंदर, क्योंकि ये 3-2 रेडी नहीं था मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो रेडी हो रहा है। अब ये चेयर से अंदर सेम रखी है पर ये थोड़ी चौड़ी लग रही है मेरे को। नहीं सर, वो भी यही है सेम, पर मेरे को बहुत बड़ी लग रही है ये साइज में, चौड़ी लग रही है इसकी बैक। अभी अपोस्ट्री चली नहीं है इसकी, यही वाली चेयर है। अच्छा, कपड़ा लगने के बाद फोम दब जाएगी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा दबता ही है, 1.5-1 इंची का फर्क इसमें आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए वीडियो होगी बहुत बड़ी। हाँ जी सर, वो आपको भी पता बहुत बड़ी होगी, जो देख रहे हैं उनको पता है। हाँ जी, ठीक है। अब वीडियो करते हैं एंड। हाँ जी सर, ठीक है। सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया और आपने एक थोड़ी नॉलेज भी दे दी कि फर्नीचर बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फोम की क्वालिटी कैसे जज करी जा सकती है, वो भी आपने बताया। हाँ जी सर, है ना? तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे एक बार सर आके विजिट करें, देखें कि आइटम क्या है। लेने या ना लेने वाली बात एक अलग होती है, एक बार तो विजिट करेगा, आएगा, देखेगा, उसके बाद ही आइटम समझ में आता है। ठीक है, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आते, जबरदस्ती नहीं है कि लेकर जबरदस्ती वाली कोई किसी से बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप कुछ आइडिया भी लेना चाहते हैं सर से तो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपको तसल्ली से पूरा अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे कि सोफ़ा बनवाते हैं तो किस तरीके से बनवाया जाए। हाँ जी सर, तो फिर धन्यवाद सर, मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो आज हमने आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करी कि आपको सोफ़ा लेते समय या सोफ़ा बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद।